इल्लाहु हेलो गाइस, कैसे आप सब? दुआ करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RR हॉरर स्टोरी पे। गाइस, पहुंच चुके हैं न्यू कंटेंट, न्यू लोकेशन और न्यू जगह पे। तो गाइस, लोकेशन का जिक्र किया जाए तो लोकेशन है बंगलापुर ग्रेविट कोठड़ी पे। गाइस, आज तक जितने भी यूट्यूबरों ने इस यक्षिणी डैन के बारे में वीडियो बनाई है, तो गाइस सब ने अपने अपने गाँव में अपने अपने जंगलों में बनाई है, लेकिन मैं पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे। तो गाइस, अब आपको और मेरे को देखना है कि यक्षिणी डैन कैसी है और क्या है क्या नहीं है। तो गाइस, अब इसके बारे में और आपको बाबा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल RR हॉरर हिस्ट्री में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो दोस्तों, आज हम इस बंगलापुर गांव के अंदर आए हैं, एक नए कंटेंट के साथ में आए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कंटेंट में जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया उसी तरह से आपका प्यार चाहते हैं, और पिछले एपिसोड में प्यार दिया उसके लिए हम आपका एक बार दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक नए कंटेंट के साथ में हाजिर हुए हैं बंगलापुर गाँव ग्रेविट कोठड़ी के अंदर। सुना है यहाँ पर एक खूबसूरत है या हॉरर है डैन रहती है, वो लोगों का खून पीती है, मर्दों का। उसका एक कारण है, एक रीज़न है, वो इसलिए पीती है अपने आप को जवान रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए वो लोगों का खून पीती है। आज तक उसने न जाने कितने लोगों का खून पिया है, और अपना बदन है जिसके ऊपर वो खून मलती है। तो दोस्तों, आज हम उसको आपको दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे आपसे भी, और इसको भी दिखाएंगे। आज उसको हो सका तो पकड़ने की कोशिश करेंगे पूरी, इंशाल्लाह आपकी दुआ रही। तो चलो, डरना मत, दिखाते हैं आपको यक्षिणी डैन, देखते हैं कौन सी यक्षिणी डैन है। ये क्या है बाबा? ये सेफ्टी है, इसके अंदर मैं तुम्हें बैठाऊंगा। हाँ, बैठने के बाद में मैं कुछ पढ़ने के लिए जिस तरह मैं पढ़ूंगा वो तुम्हें दूंगा, आप भी उसको पढ़ना। लेकिन एक ध्यान रहे, हर तरह से तुम्हें लुभाएगी, वो एक छलावा है, उसकी तरफ देखने वाला उसका हो जाता है। वो हर संभव कोशिश करेगी कि तुझे अपने प्यार में फंसा लूँ और फिर जान से मार लूँ और खून पी जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। इसके अंदर इसलिए बैठाऊँगा, मैं रहूँगा बाहर, और ज़रूरत पड़ी तो कैमरामैन को भी इसके अंदर दाखिल होना पड़ेगा, क्यों? जो हर संभव कोशिश करेगी दोस्तों इसको पकड़ने की। तो इसके अंदर बैठो और मैं बोलूँ उस तरह से बोलना। नहीं, खोलो जूते, खोलो जूते, मैं पहन के हूँ, बाहर रहूँगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको बैठना है गाइस, बाबा बता रहे हैं कि ये जगह मेरी सेफ्टी है, अगर यक्षिणी डैन मेरे पे हमला नहीं कर सकती इस जगह के अंदर, इसीलिए ये मेरे लिए बनाई गई है और भाई कैमरामैन के लिए बनाई गई है, बाबा को तो वो नुकसान पहुँचा नहीं सकती है। अब जिस तरह से मैं पढ़ूं उस तरह से पढ़ना है, मुझे जूते खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम कय्यूम अल हय्युल कय्यूम कय्यूम अल हय्युल कय्यूम कय्यूम। मुझे वो नजर आ चुकी है, सामने खड़ी हुई है वो, तुम देख लो उसको। लेकिन ध्यान रहे, भागना नहीं तुम्हारे को। उसको देख के वो कोशिश करेगी कि तुम्हें अपने प्यार में फंसावे, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है उसकी तरफ। देखो आप, लेकिन जाना नहीं है। वो हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है। वैसे मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाना नहीं है, बस देखते रहो। भाई रहो, क्या चीज़ है? डरो मत बाबा, क्या चीज़ है? वही है एक्सीडेंट, वो खड़ी वो खड़ी। आपको एक बात बता देता हूँ, यूट्यूबरों ने आज तक जिसने भी इस हवन के अंदर बैठ के और जो मंत्र पढ़े हैं अपने मन में ही पढ़े हैं, तो गाइस बाबा ने आज हूबहू रियल मंत्र पढ़ा के मुझे यक्षिणी डायन दिखाई है। गाइस देख सकते हो आप, वो सामने खड़ी हुई है, इतनी खूबसूरत औरत गाइस आज तक नहीं देखी मैंने। देख लो उसको, जाना मत तरफ, वो रह जाएगी तुम्हारे को। देख भाई, भाई उसकी तरफ मत जाओ भाई, भाई उसकी तरफ क्या जा रहे हो भाई? वो तुम्हें रह जाएगी, प्यार में पागल करेगी। जाओ मत तुम, चलो इधर, मैं देखना चाहता हूँ उसको। भाई 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 नहीं, चलो इधर, इसमें बैठो भाई। नहीं बैठो भाई, कैमरामैन। हाँ भाई बैठो, पाँव में क्या हुआ दिखाना भाई, क्या हुआ दिखाना भाई, क्या हुआ आपके? बैठो इसके अंदर बाबा, एक बार मैं उसके पास में जाके उसको देखना चाहता हूँ। देख लो दूर से, पास में नहीं। कहाँ गई, गायब हो गई क्या? कहाँ गई भाई, कहाँ पे गई? वहाँ पे है नहीं भाई, कहाँ गई वो भाई? इतनी खूबसूरत, अभी आ जाएगी, मैं बुलाता हूँ उसको, तो दिखाता हूँ कहाँ गई वो। गायब हो गई, वो गायब हो गई है, आ जाएगी वो, कहीं नहीं जाएगी, गायब हो गई है भाई। शायद वो ग्रेवेट कोठड़ी की तरफ चली गई होगी। वो देखो वही सामने, ये ग्रेवेट कोठड़ी है, बहुत भयानक विकराल है, इसका रहने की जगह है। आज तक जहाँ जितने भी लोग आए हैं सब मारे गए हैं। मैंने सुना बाबा इस जगह में सरकार भी इजाज़त नहीं देती अंदर जाने की। हाँ इजाज़त नहीं देती, भयानक है वो, इसलिए इजाज़त नहीं मिलती इसके अंदर जाने किसी को भी। बस अपन आए तो अपने हिसाब से अपन पढ़ेंगे। एक बार दिखा दी, वो गायब हो गई है, अभी आ जाएगी वो। कैमरा डालो उधर, बैठी है क्या भाई? यार वहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को यार, अलग अलग ऐसा कुछ खूबसूरती औरत बैठी वहाँ पे भाई। सामने आओ भाई, खड़े हो जाओ सामने आओ। कहाँ गई भाई? देखो वो क्या बैठा है वहाँ पे भाई, देख सामने आओ भाई। भाई कुछ नहीं है भाई, वो क्या चीज है भाई? सामने आओ। अरे भाई वो क्या चीज है यार, सामने आओ, चलो इसके अंदर बैठ जाओ भाई। यार इसके अंदर आ जा भाई जल्दी, इसके अंदर खड़े हो जा, तुम भी इसके अंदर बैठ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बैठ जाओ इसके अंदर, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े रहो, बैठ जाओ। देखो दिखा दिया ना आपको, बड़ी विकराल और खतरनाक है वो, लेकिन अपने प्यार में इसी से लोगों को फंसाती है और मार देती है। उसके प्यार में फंसना नहीं, उसकी तरफ ध्यान देना नहीं। देखना किधर गई वो, बाबा है ही नहीं, गायब हो गई वहां से यार वो। भाई मैं बाबा में थोड़ा सा बाहर आ सकता हूँ? हाँ बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर। देखो देखो किधर है, खौफनाक किधर गई वो? हाजिर हो, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है भाई। सामने भाई, भाई। आ, कुछ नहीं भाई है भाई, वो क्या चीज है भाई, वो क्या चीज़? कोई लाल चीज भाई, पास में खड़े रहो भाई, वो क्या चीज है यार? जाना नहीं है भाई, वो सामने क्या चीज थी? वो वही है, जाना नहीं है। वो मेरे को बुला रही है, बुला रही, जाना मत भैया। मैंने इसमें कार खींची है, हिसार खींची है, इसके अंदर रहने के लिए आप भी बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ। जान भाई से हाथ धो बैठेगा यार, जान से हाथ धो बैठेगा। एक बार मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। नहीं पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना है बाबा। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक भी नहीं देखी, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। एक बार बाबा मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, वो लेकिन जाना नहीं। भाई उसका छलावा है भाई, वो आपके साथ छलावा कर रही है। तुम भी मर जाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ध्यान रहे। तो बाबा मैं बाहर तो आ सकता हूँ, अपने शू तो पहन सकता हूँ? हाँ पहन लो, पहन लो। भाई कैमरामैन चारों में नजर, चारों तरफ नजर रखनी है आपको, क्योंकि वो
पीछे से आके हम भी वार कर सकती है। मैं हूँ, जब तक कोई वार नहीं करेगी आप डरो मत। भाई वो गई थी इधर थी यार, इस तरफ गई थी। किस तरफ भाई? इधर गई थी वो, यहाँ से होके इधर। भाई क्या हो भाई? और भाई वो क्या चीज है यार? हाँ वो ये। भाई भाई रुक, भाई रुक, भाई कहाँ पे जा रहा? भाई कहाँ पे जा रहा? भाई भाई रुक, भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? क्या हुआ? खड़े हो जल्दी बोलो, मैंने कहा ना भागना मत, देखना मत। भाई क्या चीज़ क्या हुआ आपके साथ? भाई उस खूबसूरत औरत ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, मैंने मना किया ना, देखना मत उसको, वो इसी तरह से प्यार में फंसाती है। वो भाग गई, वो गायब होगी, मुझे देखते मैं आ गया ना इसलिए गायब होगी। बोलो दोस्तों आज का एपिसोड हम ये ख़त्म करते हैं। भाई को प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, मैंने इसको कहा गोले में रहना, इसने कहा मैं देखूंगा, दिखाया, उसके बावजूद भी वो भाग गई। वरना अब आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि अभी वो गायब हो चुकी, मेरी आदमी पहले गायब हो चुकी, और इसके गले में एक कुछ निशान भी कर दिए इसने लंबे लंबे नाखून से, अपने जान से हाथ धो बैठता भी है। अब एपिसोड इसलिए ख़त्म करना पड़ रहा है, अगले एपिसोड में हम आपको वैक्सीन डायन को पकड़ के दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है और ये बंगलापुर गवेट कोठड़ी को हम आज आपको दिखा रहे हैं वो है, और देख लो कितनी खौफनाक जगह है। तो दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार अपने यूट्यूब चैनल RR हॉरर हिस्ट्री को ऐसे ही देते रहें। क्या हुआ? गई कुछ नहीं, भाग गई, भाग गई, भाग गई, गई, गई वो गई, गई, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। भाई क्या चीज थी मेरे पीछे? हाँ वही थी, वो परेशान करती है। चलो तो भाग, तुम जाओ, मैं रोकता हूँ। भाई भाई चलो, भाई चलो, भाई भाई अपने शू उतार लेना, खबरदार खबरदार, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। वो गायब हो गई दोस्तों, आप डरो मत, डरो मत। मैंने कहा था उस तरह से तुमने करा नहीं, जान से आप दो बैठते अभी। तो दोस्तों आपके अपने चैनल RR हॉरर हिस्ट्री को आप अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। खुदा हाफिज। भाई आपने उसके था भाई, उसका चेहरा क्या था, कैसी थी भाई वो? अब बताओ गई वो था। भाई उसका चेहरा इतना खूबसूरत था भाई, इतना खूबसूरत था, शायद ही आज तक किसी ने देखा होगा। भाई बहुत अच्छी औरत थी और वो मेरे को बुला रही थी, लेकिन भाई मैं तो नहीं गया उसके पास, पता नहीं कैसे मैं उसके पास चला गया। और भाई वो चलते हैं, भाई की तबीयत खराब हो गई है। गुड नाइट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चलते हैं बाबा। ठीक है तो गाइस भाई की तबीयत खराब हो गई, तो गाइस हमें जाना पड़ेगा, तो वीडियो में यहीं पे बंद कर रहे हैं।